हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम एक रेजोनेंस का एग्जांपल हम पढ़ेंगे। एक मेरे स्टूडेंट ने पूछा है जैसे रेजोनेंस इन टीवी एंड रेडियो। अभी टीवी को ट्यूनिंग करेंगे और रेडियो को हम ट्यूनिंग करते हैं तो कैसे एक पार्टिकुलर स्टेशन पकड़ता है, दूसरा रिसीव नहीं होता है, जबकि वो सिग्नल्स तभी भी रहते हैं, तो ये कैसे होता है। तो इसके लिए आपको रेजोनेंस को समझना पड़ेगा, है ना। जब भी आप रेजोनेंस का पॉइंट पढ़ते हैं कोई भी एग्जांपल्स में, आपको ये चीज़ याद रखना है, दो वाइब्रेशंस होते हैं उसमें। एक नेचुरल वाइब्रेशन होता है और जिसका फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और एक होता है एक्सटर्नल पीरियडिक फ्रीक्वेंसी, जो एक्सटर्नल फोर्स उसको जो वाइब्रेशन को मेंटेन करता है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स। फिर क्योंकि ये पीरियडिक है तो उसका भी फ्रीक्वेंसी होगा, तो एक्सटर्नल पीरियडिक फ्रीक्वेंसी। अभी रेजोनेंस कब होता है, जब ये दोनों इक्वल होते हैं या एक्सटर्नल पीरियडिक फ्रीक्वेंसी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो चलिए क्लास 10 लेवल के लिए हम इक्वल टू पढ़ लेते हैं। तो एक्सटर्नल पीरियडिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका की पॉइंट है रेजोनेंस का, कोई भी एग्जांपल में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो दो वाइब्रेशन है और दोनों का फ्रीक्वेंसी इक्वल है, तो आप हमेशा जब भी लिखेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्सटर्नल पीरियडिक फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्सटर्नल वाइब्रेशन या नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। तो आपको फ्रीक्वेंसी के साथ फ्रीक्वेंसी ही इक्वल लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया रेजोनेंस का बात। अभी जब एक पर्टिकुलर एग्जांपल में आएंगे तो उसमें भी दो वाइब्रेशंस होंगे। अभी जब टेलीविज़न और रेडियो का बात आता है तो अभी यहाँ पर हम जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीवर सर्किट, तो आपका टेलीविज़न में या रेडियो में एक सर्किट होगा जिसमें कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटर्स या इंडक्टर्स, कॉयल, तो ये सब से जो है एक सर्किट बना रहता है और जिसका फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला भी है ना, जो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो यदि हम चेंज करते हैं तो हम उसका फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट चेंज कर सकते हैं। तो वो हो गया आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीवर सर्किट इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अभी एक्सटर्नल पीरियडिक फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो जो है जैसे ये कंपोनेंट है ना, तो यहाँ से सो वेव्स आ रहे हैं, ये वेव्स आ रहे हैं अलग अलग स्टेशन के, जैसे आपका फेवरेट चैनल कोई है, फेवरेट रेडियो स्टेशन होगा, तो उसमें आपका जो हर एक टीवी चैनल, हर एक रेडियो स्टेशन अपना अपना फ्रीक्वेंसी से वो सिग्नल भेजता है। तो अभी ये रेडियो जो सर्किट है या टीवी सर्किट है उसका एक फ्रीक्वेंसी है। अभी उसने उसको आपने एक सेट किया, ठीक है, कहीं पर सेटिंग किया। अभी इधर से जो एक्सटर्नल जो पीरियडिक फोर्स है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग वेव्स ऑफ द सिग्नल, यानी कि जो चैनल है उसका सिग्नल होगा, तो वो है उसका फ्रीक्वेंसी को हम एक्सटर्नल पीरियडिक फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो अभी मान लीजिए रेजोनेंस होने के लिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये इक्वल होना पड़ेगा। तो आपने तो अभी रेडियो सर्किट या टीवी सर्किट एक पर्टिकुलर चैनल में रखा है, तो चेंजिंग चैनल में मतलब होता है चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीवर सर्किट। तो आपने एक पर्टिकुलर चैनल में रखा है तो आपका पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का वो सर्किट हो गया, या सर्किट का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर जो फ्रीक्वेंसी जो आपने चैनल सेट करके रखा है, यानी कि उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो मान लीजिए ये वेव का आपको मैचिंग हो गया, है ना, इक्वल हो गया, तभी ये वेव जो है इसके साथ मैच होने की वजह से ये जो नेचुरल वाइब्रेशन, अभी रेजोनेंस का क्या होता है इफ़ेक्ट, किसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इंक्रीजेज, तो ये लाउड साउंड इज़ हर्ड। तो इसलिए यहाँ पर जब इसके साथ ये मैच हो गया तो ये वाला जो पर्टिकुलर जो सिग्नल वो रिसीव हो जाएगा, यानी कि ये सर्किट रिस्पॉन्ड करेगा उस वेव को, लेकिन दूसरे के साथ वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि उसके साथ मैच नहीं हो रहा है। तो लाउड साउंड इज़ नॉट हर्ड, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इसकी वजह से लाउड साउंड सुनाई देगा, इसका मतलब वो सिग्नल को रिसीव कर लेगा, लेकिन दूसरे जो सिग्नल है जिसका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है तो उसको रिसीव नहीं कर पाएगा, या उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा, उसको सबसाइड कर देगा। सिर्फ ये वाला आपको उसके फ्रीक्वेंसी से वो
शुरू हो जाएगा वाइब्रेशन, तो इसलिए उसके बाद वो सिग्नल रिसीव हो गया। फिर और भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए जो एम्पलीफायर सर्किट होता है उसमें ले जाके वो साउंड क्लियरली सुनाई देता है। तो इस तरह से तो रेजोनेंस की वजह से हम टीवी का चैनल चेंज कर सकते हैं, रेडियो को ट्यून कर सकते हैं अलग अलग चैनल में। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, तो इस तरह से आप लिखिए हमेशा आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीवर सर्किट मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो सिग्नल और टीवी सिग्नल, देन लाउड साउंड इज़ हर्ड एंड दैट सिग्नल इज़ रिसीव्ड। तो इतने ही आपको लिखना है, ये कॉन्सेप्ट से आपको टीवी या रेडियो चलते हैं और ट्यून कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।